हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल अड्डा। तो आज मैं करूँगी नायका हॉल। सो मैंने कुछ चीज़ें इस बार परचेज़ की हुई है नायका से, एंड आई विल शो कि मैंने क्या चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, एंड आई विल ट्राई टू शेयर द रिव्यू एज वेल। ऑल्सो इस बार मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो मैं न्यूली स्टार्ट करने वाली हूँ टू यूज़। तो मैं शेयर करूंगी सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ में, सो प्लीज़ चेक इट आउट। ऑल्सो सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, सो प्लीज़ चेक देम। नायका का सेल, आई मीन द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, वो होने वाला है ऑन 25 जुलाई, विच इज़ नायका पिंक हॉट सेल। सो डोंट फर्गेट टू बाई थिंग्स फॉर योर सेल्फ फ्रॉम देयर, एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू सपोर्ट मी। एंड कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या चीज़ें देखना चाहोगे हॉल में, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन देम टू। तो सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है एम कैफेन का फेस वॉश। तो ये कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, एंड इसके अंदर जो है वो आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। इसके फ्रंट साइड पर प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ मिल जाएगा, एंड बैक साइड में इसका कंपोजिशन आपको मिल जाएगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। दिस प्रोडक्ट इज़ SLS फ्री, पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री, सो दिस इज़ वेरी सेफ प्रोडक्ट टू यूज़। एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन आवर स्किन, स्पेशली ऑन आवर फेस, तो हमको यू नो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए कि हम क्या चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। दिस प्रोडक्ट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फ्रॉम फेब्रवरी 2022, एंड एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, बिकॉज आई हैव लाइक दिस प्रोडक्ट अ लॉट, एंड ये तो चेंज नहीं होने वाला। इट इज़ वेरी वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, एंड जब आप लगाते हो ना, तो जो इसकी स्मेल है इट्स लाइक डिवाइन। सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस प्रोडक्ट एवर। ऑल्सो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है ऑन माई फेस, बहुत ही यू नो रिफ्रेशिंग फील होता है व्हेन आई फेस वॉश एंड विद दिस प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट तो नहीं चेंज होने वाला है। आई शो कि इसके ये प्रोडक्ट जो है वो ट्यूब के फॉर्म में आता है, या सो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट जो है आपका दिखेगा। सो दिस इज़ इन अ ट्यूब फॉर्म, यहाँ से आप प्रोडक्ट को है ना ओपन करके इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो, एंड या सो दिस इज़ अबाउट इट। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है एम कैफेन के हेयर केयर रेंज से, या शैम्पू एंड कंडीशनर। तो मैंने एक शैम्पू लिया है एंड एक कंडीशनर लिया है, सो ये एक यू नो कॉम्बो में ही था, सो इट वाज पैक ऑफ टू, जिसमें एक शैम्पू एंड एक कंडीशनर आया था। अगेन शैम्पू एंड कंडीशनर जो है ये काफ़ी अच्छे हैं, ये मैं न्यूली स्टार्ट करने वाली हूँ, बिकॉज ऑल दीज डेज आई हैव बीन यूजिंग लॉरियल का शैम्पू एंड कंडीशनर। तो आई रियली वॉन्टेड टू स्विच टू सम प्रोडक्ट जो कि पैराबिन एंड SLS फ्री है, एटलीस्ट फॉर माई हेयर, बिकॉज मेरे हेयर जो है काफ़ी मुझे हेयर फॉल का इश्यू हो रहा है। सो आई थिंक आई रियली नीड टू स्विच टू यू नो डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि SLS एंड पैराबिन फ्री हो। सो आई थॉट लेट मी गिव अ ट्राई, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इस रेंज एम कैफेन का फेस वॉश यूज़ किया हुआ है, सो आई नो कि प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ है यूज़ करने के लिए। तो मैंने एम कैफेन का शैम्पू एंड कंडीशनर भी ऑर्डर कर दिया। सो आई एम येट टू स्टार्ट दिस, वैसे आज मैंने वॉश किया है हेयर, आई हैव यूज्ड एम कैफेन का ही यू नो शैम्पू एंड कंडीशनर। तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली SLS फ्री है, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट में यू नो इफ़ यू विल फाइंड SLS, तो वो लैदर बहुत ही अच्छे से होता है, एंड यू नो यू इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ फोम। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो बहुत ही कम फोम है ना इसमें बिल्डअप हुआ, तो आई कैन क्लियरली अज्यूम की है ना SLS फ्री तो डेफिनेटली है। सो ऑल्सो इट हैज़ अगेन वेरी गुड स्मेल, तो मुझे आज के वॉश से तो मुझे अच्छा ही लगा, माई हेयर फील्स सॉफ्ट। तो अब देखते हैं आगे कैसा इसका है ना रिव्यू रहता है, सो आई विल डेफिनेटली शेयर। अगर मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू यूजिंग द सेम प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली उसका भी रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ऑल्सो अगेन एम कैफेन के आई गेस सारे प्रोडक्ट्स जो हैं SLS, पैराबिन एंड क्रुएल्टी फ्री आते हैं, सो या दीज आर वेरी सेफ प्रोडक्ट्स टू यूज़। इसके बाद सिंस मैंने एम कैफेन का काफ़ी सारा प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो उन्होंने मुझे ट्रायल पैक भी दिया है एक फेस स्क्रब एंड फेस वॉश का।
ये एक ऐसे छोटे से क्यूट से पाउच में आता है। सो इसमें, हाँ इसमें ये दोनों प्रोडक्ट आए हुए हैं, एक है फेस स्क्रब और एक है फेस वॉश। तो ये दोनों भी मैंने आज यूज़ किया एंड आई रियली फेल्ट नाइस। फेस स्क्रब जो है वो भी माइल्ड सा है, इसमें बहुत ही फाइन यू नो पार्टिकल्स है जो कि आपके स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे। सो यू जस्ट नीड टू रब दिस फॉर 1 मिनट ऑन योर फेस एंड देन वॉश योर फेस विथ कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर एंड ड्राई इट। सो या यूज़ करने में आई फेल्ट कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड या लेट्स सी, मैंने ये आज ही फर्स्ट टाइम यूज़ किया फेस स्क्रब इसका। सो लेट्स सी, अगर ये अच्छा रहा तो आई कंटिन्यू यूजिंग द सेम प्रोडक्ट्स। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मिनिमलिस्ट का ये सनस्क्रीन है। सो ये जो सनस्क्रीन है इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड इट हैज़ यू नो SPF 50। सो सनस्क्रीन वैसे जो है पहले मैं लोटस ब्रांड का यूज़ करती थी एंड अगेन मिनिमलिस्ट का मैंने रिव्यू देखा एंड आई थॉट कि यू नो ट्राई वर्दी तो है डेफिनेटली ये प्रोडक्ट, तो एक बार ट्राई किया जाए इसे। सो आई ऑर्डर्ड मिनिमलिस्ट का ये सनस्क्रीन एंड आई हैव यूज्ड इट ऑल्सो। इट लीव्स लिटिल अमाउंट ऑफ यू नो वाइट कास्ट ऑन योर फेस वन यू अप्लाई इट, बट अगर आप यू नो प्रॉपरली इसको ब्लेंड कर लेते हो तो वो वाइट कास्ट जो है वो नहीं इतना यू नो शो दिखता है। तो या दिस इज़ अगेन अ नाइस प्रोडक्ट एंड इसको भी मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। सो लेट्स सी, अगर ये अच्छा वर्क करता है डेफिनेटली तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगेन इसका जो फ्रंट वाला साइड है इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम मिल जाएगा, SPF 50 लिखा हुआ है इसके ऊपर एंड पीछे जो है इसके डायरेक्शंस फॉर यूज़ एंड कंपोजिशन वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो वो आप रीड आउट कर सकते हो। ऑल्सो जो भी चीज़ें आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो तो डू अ पैच टेस्ट पहले, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप है ना पैच टेस्ट करके एक बार ट्राई कर लो कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। मैंने इसको ट्राई किया, मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले एंड आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल्सो ऑन माई फेस, तो मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिखा है अभी तक। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये अच्छा प्रोडक्ट है एंड लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। अगर अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आई शेयर द रिव्यू मे बी 1 मंथ लेटर और सो। सो या सो या नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है मिनिमलिस्ट का अल्फ़ा आर्बुटिन फेस सीरम। एंड ये इसके काफ़ी रिव्यूज़ मैंने देखे एंड आई थॉट अगेन इसको मुझे ट्राई करना चाहिए बिकॉज़ आई हैव पिगमेंटेशन अराउंड माई फोरहेड एरिया एंड अराउंड माई लिप्स। सो डेफिनेटली इसको एक ट्राई मैं देना चाहती थी। इसको मैंने आई गेस 1 मंथ ऑलरेडी यूज़ किया था एंड 1 मंथ मैंने इसको डे एंड नाइट बोदर टाइम आई हैव यूज्ड इट एंड देन वो वाली बॉटल जो है वो फिनिश होगी, देन आई परचेज द न्यू वन। तो इसको मैं ट्राई करना चाहती हूँ बिकॉज ऑल्सो दिस प्रोडक्ट वर्क्स ऑन योर फेस, आई मीन वर्क्स ऑन योर स्किन, बट यू नो यू विल हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस प्रोडक्ट टू शो प्रॉपर रिजल्ट्स। तो मैं एटलीस्ट 3 मंथ्स इसको यूज़ करके देखना चाहती हूँ कि यू नो द दैट वो जो विजिबल रिजल्ट है वो दिखता है या नहीं। सो आई विल डेफिनेटली शेयर रिव्यू मे बी आफ्टर 3 मंथ्स और सो, अगर मुझे इसके विजिबल रिजल्ट मिलते हैं तो। अभी तक मैंने यूज़ किया है तो अगेन इट इज़ जेंटल ऑन माई स्किन, मुझे ऐसा है ना कुछ इचिंग या फिर इरिटेशन किसी भी तरीके का मुझे फील नहीं हुआ है। सो इट्स जेंटल ऑन माई स्किन। अगेन इसके लिए भी जो है पैच टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू नो यू अप्लाइंग इट ऑन योर फेस। तो इसका पैच टेस्ट भी मैंने कर लिया था एंड पैच टेस्ट से भी मुझे कुछ ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं दिखा। सो आई स्टार्टेड यूजिंग इट, मैंने 1 मंथ ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ जैसे मैंने बताया एंड वो वाली बॉटल जो है कम्प्लीटली फिनिश हो गई थी। फिर मैंने ये न्यू प्रोडक्ट, न्यू वाला जो पैक है वो मैंने मंगवा लिया। सो आई विल ट्राई यूजिंग इट फॉर 2 मोर मंथ्स एंड लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स आर। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज अगर मुझे इसके विजिबल रिजल्ट्स मिल गए तो। सो गाइज नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है नैट हैबिटेट का बिटरूट क्रश लिप बाम। आई गेस ये कैमरा जो है फोकस नहीं कर पा रहा है। सो एनी वेज आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लेना इसको, इस प्रोडक्ट को। अगेन दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग फॉर योर लिप्स एंड इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं वो सारे नेचुरल है। इट सेज इट इज़ 100% नेचुरल एंड इसके जो इंग्रीडियंट्स, पावर इंग्रीडियंट्स मुझे दिख रहे हैं दोज आर ऑल नेचुरल इंग्रीडियंट्स लाइक बीट रूट, जैसमिन फ्लावर्स, देसी काउ घी,
शी बटर, कैरनोबा वैक्स, सो एवरीथिंग वॉट एवर आई कैन सी इन द यू नो कम्पोजिशन पावर इंग्रेडिएंट्स में, तो ये सारे नेचुरल दिख रहे हैं. सो आई बिलीव कि ये प्रोडक्ट जो है अगेन इट्स नेचुरल एंड इट वुड डू यू नो गुड टू माई लिप्स. सो इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ, न्यूली इसको ट्राई करने वाली हूँ मैं. तो लेट मी सी, अगर इस ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा डेफिनेटली आई विल एडवाइस यू गाइज ऑल्सो टू यूज़. मैंने अभी यू नो लाइक 2 दिन पहले से इसको स्टार्ट किया है यूज़ करना. सो या इट डज यू नो हाइड्रेट्स योर लिप्स, तो डेफिनेटली फॉर लॉन्गर टाइम. तो अगर आपने इसको एक बार लगाया तो मे बी आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स यू विल हैव टू अप्लाई इट अगेन, अदरवाइज इट कीप्स योर लिप्स हाइड्रेटेड. अभी तक तो मुझे यह प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है. लेट मी सी, अगर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम प्रोडक्ट तो डेफिनेटली आई शेयर द रिव्यू विद यू गाइज. सो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल पर, विच इज़ अ लिपस्टिक. एंड इट हैज़ टू बी अ लिपस्टिक, बिकॉज एक लिपस्टिक के बिना एक नायका हॉल तो इनकम्प्लीट है. सो ये लिपस्टिक जो है इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड शुगर. इसके पैकेजिंग से आपको बहुत ही अच्छे से पता चल रहा होगा कि इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड शुगर. एंड इसका जो शेड है वो है ड्रॉप डेड रेड. मैं साथ ही साथ आपको वीडियो प्ले करके क्लोजअप एक लुक दे दूंगी इसका, कि इसका टेक्सचर क्या है. इट इज़ प्योर मैट एंड यू नो वंस यू अप्लाई इट ऑन योर लिप्स तो विद इन अ सेकेंड और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो मैट हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है. एंड या ड्राई का मतलब ऐसा नहीं है ना, इट विल लीव पैचेस ऑन योर लिप्स. स्टिल ये थोड़ा तो हाइड्रेटिंग रहता है, आपका लिप्स कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा. सो या इसका मैं अंदर का प्रोडक्ट जो है वो भी शो कर देती हूँ एंड साथ ही साथ आपको इसका स्वैच भी दिखा देती हूँ. ये कुछ इस तरीके का लगेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट आएगा एंड स्वैच जो है वो भी मैं साथ ही साथ दिखा रही हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा. एंड या जो रेड कलर है, दिस इज़ वेरी ब्राइट रेड एंड यू नो वेडिंग सीजन में आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, साड़ीज़ पे, आपके एथनिक वेयर्स पे बहुत ही अच्छा जाएगा. या फिर आपका कोई यू नो अगर कॉकटेल पार्टी है एंड यू आर ड्रेसिंग अप विद यू नो अ ब्यूटीफुल गाउन और ब्लैक ड्रेसेस पे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा. आप वहाँ इस लिपस्टिक को पेयर कर सकते हैं एंड यू कैन यू नो गेट दैट ड्रीमी लुक जैसा आपको चाहिए. सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि हॉल आइडियाज़ में और क्या क्या आप देखना चाहेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी वीडियो विच आई विल बी पोस्टिंग इन फ्यूचर. वी विल मीट सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.